खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आरपी टीवी न्यूज और नोटिफिकेशन। सेंधवा में मास्क पहनने और अन्य गाइडलाइन का पालन करवाने बाजार में घूम रहे प्रशासनिक और नपा के अमले के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने पर बर्तन दुकान संचालक और उसकी पत्नी को भेजा गया स्थायी जेल। एसडीएम तपस्या परिहार ने शहर के राम बाजार की कार्रवाई, नियमों और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ऐसी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, एसडीएम तपस्या परिहार का बयान। और आज हुई कार्रवाई में दिए जाएंगे धारा 188 के नोटिस। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और बिना मास्क से वहाँ पे भीड़ एकत्रित थी, इस कारण से महेश है जो दुकान का मालिक है वो उनको अस्थायी जेल में भेजा गया। उनकी मिसेज को भी वहाँ से अस्थायी जेल भेजा हुआ है जी, अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से उनको भी भेजा गया। नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सेंगर, सुदर्शन वाहिनी कट्टर हिंदू संगठन का कार्यकर्ता। किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? आज हम लोग जो एकत्रित होकर आए हैं, ओखला विधानसभा के एक विधायक है आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान, जिन्होंने दासना मंदिर के महंत श्री यति नरसिंहानंद जी के खिलाफ पिछले 3 से 5 दिनों के बीच में उन्होंने ज्ञापन दिया था। उनको उनकी जबान काटकर, गर्दन काटकर जान से मारने की धमकी दी है और सर को धड़ से अलग करने की धमकी दी है और उनके ऊपर 200 करोड़ का इनाम रखा है। जो भी सर को धड़ से अलग करेगा उनको 200 करोड़ का इनाम उनकी तरफ से दिया जाएगा। इस घटना को लेकर हमारे समस्त हिंदू समाज के अंदर आक्रोश है। इस विषय को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए। अगर इस विषय के ऊपर ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सारा हिंदू समाज मिलकर सुदर्शन वाहिनी संगठन के तरफ से आने वाले समय में उग्र आंदोलन करें। क्या नाम है आपका? फरीद मंसूरी, सदर सुन्नत मुस्लिम जमात और दारुल कजात बड़वानी। आपने पत्र लिखा है, किस संबंध में लिखा है? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कठोर कार्रवाई करने के लिए मांग की गई है। स्वामी हर्षियानंद सरस्वती के द्वारा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसमें संपूर्ण मुस्लिम समाज सहित हजारों व करोड़ों लोगों के में आक्रोश है। मोहम्मद साहब के प्रति हजारों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और पूरी दुनिया के मुसलमान उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलते हैं। महंत हर्षियानंद सरस्वती की उक्त टिप्पणी करने से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस संबंध में महंत के खिलाफ भारतीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाए ताकि देश में अमन सुकून व भाईचारा बना रहे। मार भाईसक ने भणसाका जी जो भी कौन है कि तुम सब अपना अपना काम खेतों में कर जो, भीड़ भाड़ वाली जगह पर घूम जाता, मास्क लगाड़ी जो बाहर निकल जो और अपनी एक दूसरा दूरी ची बनाई रख जो। मार भाई से ये बीमारी का जे अपनों का जे दूर करना है, इनका जे हरावना पड़ से ती आम सब सुखी रहूसो और सुखी रहने कर आम का जे मास्को भी लगाड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी पालन भी करना है और हमारा जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी बात कर रहा है तीन का जो समझो भी। और एक बात अली है कि दिंदरी उम्र 45 साल थी ऊपर है गई, तीनों का जे कोविड वैक्सीनेशन टीकू भी लगाड़ने कर अस्पताल में जाना जुए। टीकू लगाड़ने से अपनों बचाव छे रे दादा, तुम हतरे ध्यान रख जो। सबका जे राम राम।